asalaamu alaikum students how are you i hope you are fine i'm your teacher and today i will teach you english all of you please take out your capital abc book all of you please open page number 42 and 43 you have to mention the date today Today the date is 26 november 2020 and the day is thursday You date to day ऊपर मेंशन करनी है ओके लुक एट द लेटर लेटर नेम इज टी आज का हमारा न्यू लेटर है टी लेटर टी टी थ, टाइगर, टी थमेटो टीथ टेलीफोन टी टॉप। लेटर नेम टी एंड द साउंड टाइगर Third tomato, third telephone, third top. Okay, now look at page number 43. This is your homework page. On this page, you will do coloring and tracing in the letter T. Okay, now look at the vocabulary. Look at this. It's a tiger. t, -t Tiger. टाइगर आपको पता है एक एनि एनिमल होता है और ये कहाँ पे रहते हैं जू में देखें इसका फेस थोड़ा थोड़ा लाइन की तरह है लेकिन लाइन तो ब्राउन से कलर का होता है ना उसका डिफरेंट कलर होता है और इसमें आप देख रहे हैं ब्लैक और ऑरेंज और कलर की स्ट्रिप्स हैं ये ऑरेंज कलर के और इसमें ब्लैक कलर है ये थोड़ा थोड़ा कैट से भी मिलता है तो ये है टाइगर ये बहुत फास्ट भागता है रनिंग बहुत तेज करता है और ये आपने जू में भी देखा होगा तो इस एनिमल का नेम है टाइगर और इसे उर्दू में कहते हैं चीता ठीक है लुक एट दिस इट्स अ टमाटो ये है टमाटर इसका इंग्लिश नेम टमाटो है और इसका उर्दू नेम है टमाटर टमाटर एक फ्रूट है लेकिन आपकी मामा इसे किचन में अपनी हांडिया में भी डालती हैं और वेजिटेबल की तरह इसको यूज़ करते हैं ठीक है लुक एट दिस ये देखिए आपको फ़ोन नज़र आ रहा है टेलीफ़ोन इस पर नंबर्स लिखे हुए हैं टेलीफ़ोन आप सबके घरों में भी होगा पहले तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता था और अब तो ज़्यादातर लोग मोबाइल फ़ोनस यूज़ करते हैं जैसे हम मोबाइल फ़ोन पे बात करने के लिए दूसरों से अपने फ्रेंड्स से फैमिली से बात करने के लिए मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं इसी तरह हम टेलीफोन भी यूज़ करते हैं और ये टेलीफोन भी टी छ का फ्रेंड है टेलीफोन ओके लुक एट दिस ट्राय इस ट्राय का तो आप सब बच्चों को बहुत पता होगा ये है लड्डू इसे उर्दू में लड्डू कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं टॉप ये बहुत मज़े का ट्रॉय होता है इसको आप स्पिन करेंगे तो ये राउंड में इतनी देर तक घूमता रहता है ये भी टी का फ्रेंड है ठीक है आपने बहुत अच्छा होमवर्क करना है बहुत अच्छी अच्छी टाइगर में कलरिंग करनी है ये देखिए ऑरेंज कलर ही आपने टाइगर में करना है और ऐसे ही ब्लैक स्ट्रिप्स में कलर करना है इसकी ठीक है ओके स्टूडेंट्स नाउ प्लीज एट दिस फ्लैश कार्ड ये लेटर टी का फ्लैश कार्ड मैं आपको शो कर रही हूँ इस लेटर का नेम है टी और इसकी साउंड है छ बच्चों मैं आपको एक और फ्लैश कार्ड शो करती हूँ कार्ड ये हमने पहले पढ़ा था ना ये वाला फ्लैश कार्ड इस लेटर का नेम भी टी था पहले टी छोटा होता था तो उसको हम ऐसे राइट करते थे और अब टी बड़ा हो गया है अब इसकी लुक्स चेंज हो गई हैं लेकिन इसकी आवाज़ और इसका नेम और इसकी साउंड बिल्कुल सही सेम टू सेम है टी, थो, टी थो। ठीक है आपने इन दोनों को बहुत अच्छी तरह याद करना है आपने अपने पुराने वाले टी को भी लर्न करना है दोबारा से रिवाइज करना है और आपने कैपिटल टी को भी दोबारा से अच्छी तरह याद करना है ठीक है बच्चों साउंड इज छके स्टूडेंट नाउ आई विलो यूर फ्रेंड्स टेबल तो एक बहुत कॉमन ऑब्जेक्ट है आपकी क्लास रूम में भी होता है आपके घर में भी आपके हर जगह जहां भी आपके सोफा सेट के साथ भी टेबल होता है तो टेबल तो बहुत कॉमन ऑब्जेक्ट होता है ये वुड का भी बना होता है आयरन का भी बना होता है तो टेबल भी हमारा टी का फ्रेंड है प्यारे बच्चों हमारा नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट है वो है टेलीफोन टेलीफोन मैंने आपको पहले भी डिफाइन किया हमारी बुक में भी इसकी पिक्चर बनी हुई है ये होता है कॉल करने के लिए हम यूज करते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर से कांटेक्ट करने के लिए टेलीफोन भी टी थो का फ्रेंड है आपने इसको याद रखना है कि टेलीफोन किसका फ्रेंड है टी का ओके okay, बच्चों आवर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज टी पॉट टी पॉट आप सबके घर में आपके मामा पापा शौक से टी पीते हैं ना चाय पीते हैं और उसको वो टी पॉट में डालते हैं या आपके किचन में सब बच्चों के किचन में होगा इसको केतली कहते हैं उर्दू में और इंग्लिश में इसको टी पॉट कहते हैं इसमें हम चाय डाल के रखते हैं और ये देखें टी पॉट का स्टार्टिंग साउंड कौन सा है टी टी आपने अब याद रखना है कि टी पॉट भी टी का फ्रेंड है देखा बच्चों आज हमने टी के कितने सारे फ्रेंड्स को फाइंड आउट किया है अब आप सब बच्चों ने अपनी टॉय बास्केट में जाके देखना है कि टी के और कौन कौन से फ्रेंड होते हैं ठीक है और फिर आपने अपनी मामा की हेल्प से बहुत सारे फ्रेंड्स अपने घर में सर्च करने हैं कि टी के कौन कौन से फ्रेंड्स हैं एक फ्रेंड मैं आपको और बताऊं टी का फ्रेंड तो टीवी भी होता है जो आप सब बच्चे बहुत शौक से देखते हैं इसी तरह आपको अपने घर में टी के बहुत सारे फ्रेंड्स मिल जाएंगे आप सबने टी लेटर को लर्न करना है इसकी साउंड को लर्न करना है और इसके फ्रेंड्स को अपने घर में फाइंड आउट करना है ठीक है बच्चों आप सब ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और अपने लेसन और को बहुत अच्छे से लर्न करना है ठीक है ओके स्टूडेंट्स टेक केयर अल्लाफ़